देवी और सज्जनों, आज हम तीन आपके सामने आए हैं आपको एक प्रेम कहानी सुनाने के लिए। लेकिन उस प्रेम कहानी सुनाने के पहले मैं बता दूं कि हम तीन कौन हैं। मैं हूं सोसो सनी सिंह, आपका लीड सिंगर। क्या बात? ये वो है जिसका नाम हम लेते नहीं, जिसका नाम पता नहीं। और ये है हमारे भावेश भाई पिटवानी, जिनको ये नाम कहां से मिला इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। और हम हैं आपके सामने द हाफ बैंड गैंग। क्या बात। तो भावेश भाई गुटानी नहीं पिटवानी नहीं पिटवानी भावेश भाई पिटवानी को प्रेम हो गया था उस लड़की से, जिस लड़की का नाम था सेजल। और एक दिन जब भावेन भाई पिटवानी ने सेजल को देखा तो उनके मन से निकला ये गाना। लेकिन सेजल के बाप को हमारे भावेश भाई पिटवानी पसंद नहीं थे। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ये लड़का उसकी बेटी को आंख भी देखे, आंख से देखे, आंख लगाए, जो भी करे। इसलिए कुछ किया नहीं, अच्छा लड़का है, इसलिए कुछ हुआ नहीं। उसके बाप ने इसको पकड़ा और इसकी ऐसी धुलाई की करते हुए बोला, चार बोतल सोडा तेरे सर पर फोड़ा, मेरी लड़की को जो देखेगा मार खाएगा थोड़ा। चार बोतल सोडा सर पर तेरे फोड़ा, ऐसा बजाऊंगा लगेगा मार थोड़ा थोड़ा। आजा मेरे सामने दिखाऊंगा मैं हूं कौन, सेजल का बाप नहीं ऐसी मार खाई हमारे भावेश भाई। कितनी बार बोलनी पिटवानी पिटवानी भावेश भाई पिटवानी ने कि बस उनके दिल से आह निकली और उन्होंने फिर कहा, ऐसा जूता खाया मैंने तेरे बाप का, 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 ब्रांडेड लिखा था निकला चोर बाजार का, ऐसा जूता खाया मैंने तेरे बाप का, ऐसा जूता खाया मैंने। लेकिन हमारे भावेश भाई पिटवानी हार नहीं मानने वाले, उन्हें लग गया कि अब वो जाएंगे और सेजल को अपना बनाएंगे। इसलिए उन्होंने सेजल की बालकनी में छलांग लगाई और कहा, धीरे धीरे से तेरी बालकनी में आऊंगा, धीरे धीरे से तुझको जगाऊंगा, चुपचाप बिना आवाज के जगा।
मैं बोल दूँ।